2018 में सदर्न रेलवेज ने एक स्टेटमेंट दी थी कि आने वाले समय में ट्रेनों में सिर्फ दो स्लीपर कोच ही रहेंगे और आज 2024 में आप ये चीज होती हुई देख सकते हैं। अब चाहे गोवा एक्सप्रेस हो, गोंडवाना हो या हो उत्तर संपर्क क्रांति, इन सभी ट्रेन में सिर्फ दो स्लीपर कोच ही रह गए हैं। लेकिन रेलवेज ऐसा कर क्यों रही है? क्या ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए है? आइए समझते हैं। देखिए, हम अक्सर इस डिबेट में उलझे रहते हैं कि भारतीय रेलवे सिर्फ अमीरों के लिए वंदे भारत ट्रेन ला रही है और आम ट्रेनों में भी लगातार स्लीपर कोचेस कम होकर एसी कोचेस बढ़ते जा रहे हैं और ये कुछ हद तक सही भी है, लेकिन ये सब करने के पीछे एक वजह है। रेलवे चाहती है कि अगले कुछ सालों में एसी और नॉन एसी ट्रेन अलग हो जाएं और इसी वजह से जहां एक तरफ वंदे भारत ट्रेन को बड़े स्केल पे बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ 50 अमृत भारत ट्रेन के भी ऑर्डर दे दिए गए हैं। आने वाले समय में ये चीज कितनी सही बैठती है ये तो वक्त ही बताएगा। आपका इस टॉपिक पे क्या मानना है नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए।